भूत कैसे दिखते हैं? भटकती आत्माएं दिखाई देती हैं। भूतों का घर कैसा होता है? क्या मौत के बाद भी आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है? क्या सचमुच भूत बात करते हैं? क्या हमारे अलावा कोई और यहाँ पे मौजूद है? अगर मौजूद है तो लाइटें जलाइए। आप महिला हैं या पुरुष हैं? अगर आप पुरुष हैं तो सारी लाइटें जलाइए, महिला है तो सिर्फ दो लाइटें जलाइए। क्या सचमुच यहाँ आत्माएं घूमती हैं? यहाँ से भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी होगी आपने। पीपल के पेड़ वाला भूत, बगीचे की रक्षा करने वाला भूत, खंडहर में रहने वाली आत्मा और काली पहाड़ी वाले भूत की कहानियां खूब सुनाई जाती हैं। लेकिन आज हम आपको कहानी सुनाएंगे नहीं, कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और एक बार एक बंदा अंदर आ गया, बंद दरवाजे में, 12 बजे रात की बात है। अच्छा। हाँ, दरवाजा बंद था, अंदर से बंद कर रखा था मैंने। एक बंदा पगड़ी पहने हुआ था और वो अंदर आ गया और कह रहा कि मुझे फोन मिला करके दो। और अचानक एक बादल, एक का झोंका अचानक से नहीं, पीछे से उसकी पीठ से आग की तरफ बढ़ा। तो मैंने कहा आप बाहर जाओ। मैंने इतनी हिम्मत जुटा के बोली कि आप बाहर जाओ, मैं फ़ोन लेके आ रहा हूँ, मिला के दूंगा। जैसे दरवाज़ा, फिर वो अचानक गायब। मैं बाहर आया, दरवाज़ा खोला, मुझे पूरा यकीन है, मैंने पूरा दरवाज़ा खोला, आकर के यहाँ पर मैं खड़ा होकर उसे आवाज़ दी, वो कहीं नहीं मिला। तो ये होते हैं कि वो दरवाज़ा ठक ठक आकर के नॉक करके कहीं बोले कि मुझे चाय पिला दो, इस तरह से ये होती रहती आवाज़। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे हॉन्टेड हाउस के रहस्य को जिसकी पड़ताल करने दुनिया के लोग आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भूत दिखाई देते हैं। कार के दरवाजों के बंद होने की कहानियाँ सुनाई जाती है। उत्तराखंड के इस शहर में लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन जब इस पहाड़ी के बारे में उन्हें पता चलता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं। अगर कोई यहाँ हिम्मत कर आ भी गया तो लोग कहते हैं कि भटकती आत्माएं अपनी आहट जरूर दे देती हैं। दिन को हाँ, एक फॉर्च्यूनर व्हीकल थी, फॉर्च्यूनर, तो उनके जो ओनर थे वो घूमने के लिए गए चाबी लेकर के, चाबी बिल्कुल हाथ में थी उनकी, वो गए अंदर, तो मैं देख कर आता हूँ, तुम लोग यहीं रहना। दरवाज़ा बंद क्या लॉक हो गई और अपने आप लॉक हो गई। अब जैसे दरवाज़ा खुलना है, कहा उन्होंने ये क्या,
वो नहीं काम नहीं करने बंद कर दे, जबकि वो सेंसर्ड होती है ना, वो तो बंद होती नहीं। फॉर्चुनर इतनी प्रोग्राम परफेक्टली प्रोग्राम्ड होते हैं, ये सब आखिर डिज़ाइन होते हैं, कभी बंद हो नहीं सकती। उनके फैमिली और बच्चे रोना शुरू कर दिए। हाँ, जबकि बच्चे बड़े बड़े थे, एडल्ट थे, कॉलेज के बच्चे थे दोनों। मोहम्मद शोएब इस खंडर में भटकती आत्माओं के रहस्य को 4 साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 1 साल से यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। अभी हाल में 1 साल से यहाँ आना शुरू किया, रहना रात के वक्त, और ऐसे तो मैं 3-4 साल से मेरी यहाँ रिसर्च और कैंपिंग का काम। जब न्यूज 18 की टीम को इनके बारे में जानकारी मिली तो भूतों के रहस्यों की पड़ताल करने से पहले यहाँ पर हो रही गतिविधियों को हमने जानने की कोशिश की। शोएब ने बताया कि ऐसा लगता है कि आज भी वो मजदूर यहाँ काम करते हैं जो कई दशक पहले मलबे में दबकर मर गए थे। कभी कभी होती रहती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे बहुत ज़्यादा कोई पत्थर आपको मारेगा लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, और कभी फावड़े की आवाज़, सब्बल चलाने की आवाज़, माइनिंग की आवाज़। तो सवाल उठता है कि क्या ये सच है या एक भ्रम? क्या उत्तराखंड के मसूरी के पास सचमुच दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड डेस्टिनेशन है? क्या सचमुच यहाँ भूतों का साम्राज्य है? पहाड़ों की रानी मसूरी वैसे तो देश दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है, लेकिन मसूरी के कुछ इलाके आज भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हैं। ये इलाके आज हॉन्टेड एरिया के नाम से जाने जाते हैं। न्यूज 18 आज आपको एक ऐसे ही इलाके से रूबरू करेगा।